आ गया हूँ यहाँ पे मलाई लेने। इधर सुबह की शहरी की रौनक जो है यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। 7 नंबर रमजान की पहली सहरी में। अस्सलामुअलैकुम, तो कैसे हैं आप सब गाइस, वेलकम है आप लोग का हमारे साथ पहले सहरी में और पहला रोजे में। रमजान की पहली सहरी आप सभी को बहुत अच्छा अच्छा जाए माशाल्लाह, और सबकी सहरी अच्छी हो। और देखते हैं इस बार हमारे रमजान का साथी कौन होता है, कौन होता है तो आप लोगों को पता ही था। अभी देखो कौन आता है, कोई नहीं पता नहीं कुछ, देखते हैं। और हमारा तो सहरी की तैयारी हो चुका है, मैं गया था सुबह के लिए लाने के लिए मलाई, और मलाई लेने के लिए गया था। मलाई लेने गया तो क्या क्राउड माशाल्लाह, 7 नंबर पे ऐसा लग रहा है कि शाम के 7-5 बज रहे, और इतनी पब्लिक, और यहाँ तो पब्लिक ही नहीं है रोड पे। तो मैं 7 नंबर से आसपास के लिए मलाई लेके आया, दूध लेके आया और दही लेके आया हूँ। तो देखते हैं आज की सहरी कैसी होती है कि नहीं। तो गाइस कौन आया है? मैं आ गया हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और क्या डब्बा? बस अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ सो रहे थे तुम? अमीर के वहाँ। अरे बाप रे, मैं सोचा कि तुम आई नहीं, बोला 4:30 बज गया, 4:45 हो गया, 5:15 चार बजे उठा था फिर सो गया। 5:25 की है आज लास्ट, बहुत टाइम उठा था फिर सो गया। अरे बाप रे, अच्छा ऐसे ही होता है, एक बार नींद आती तो उड़ जाते है कि नहीं, तो इसलिए हम लोग सोए नहीं अच्छी रात जागे। हाँ ये सटअप वटअप किए पूरा, और क्या देखो ना राशन वाशन था सब भर दिए अंदर, माशाल्लाह सेटिंग कर दिए पूरा। हाँ उड़ गया नींद उमेर। चलो क्या बोलते हो, मैच रोजा रखना उठा है पहला रोजा। चलो अच्छा नमाज पढ़ना रहेगी ना बराबर, साथ में चलना मेरे फटाफट। ऊपर से कुर्ता कहाँ है तेरा, ब्लू वाला? हाँ चलो पहली तैयारी करने सुबह सुबह आएगी नहीं अब्बा। चलो यही है वो आदमी जो 2 मिनट बाकी है, देखो अभी दांत घस रहे, इनको कब से बोल रही दांत घस रहे, छुपा रहे, इधर देख के करो ना। हाँ हाँ यही है वो जो अजान के 2 मिनट 1 मिनट पहले पानी पी के बोलते हाँ अब मैंने रोजा रखा, यही है वो जो आखिर तक खाते रहते हैं जानो। हाँ हाँ बस ना, आप क्या पूरा दांत बाहर निकाल के छोड़ोगे क्या? जल्दी जल्दी करो ना, 2 मिनट बाकी है सहरी का टाइम खत्म होने, हो गया 1 मिनट तो खत्म ही हो गया रहेगा, चलो जल्दी। सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, रमजान की पहली फजर हमारी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और तुमको दिख रहा नहीं, मैं गटर में गिर गया अंधेरे में, ये लादी में मेरा पैर घुस गया इसके अंदर। अरे मैंने भी लगाया, वो मैं लगाया। तुमने लगाया? हाँ मेरे भाई एक लड़का और घुस गया उसके अंदर। क्या बोलते हैं? वालेकुम अस्सलाम। और क्या बोलते सब लोग? कैसे गई शहरी? कैसी गई शहरी आज? मस्त। क्या खाया? रमजान मुबारक की बहुत बस। पहली शहरी और पहली पहली फजर भी हो चुकी है, और यहाँ मस्जिद पूरी खाली हो चुकी है, और मस्जिद पूरी भर गई थी और हम लोग को जगह नहीं थी पढ़ने की, यहाँ पे भी ताला उधर भी ताला, तो हम लोग क्या किए आगे वहीं पढ़ लिए। हाँ तो वहाँ पे कोने पे जो जगह है ना, जहाँ पे टावल देखो टावल हिल रहा है, मैं वहीं कोने पे खड़े रहकर नमाज पढ़ लिया उधर टावल के पास, क्योंकि जगह ही नहीं थी पूरी, गेट पे ताला है, ताला खुला रखना चाहिए लोग एटलीस्ट, ताकि कोई भी लेट आए ना। चाबी मेरे हाथ में, मेन बात नहीं है तो मैं पूरा खोल के रख दे। A few moments later. तो ये गाइस अस्सलाम वालेकुम। चलो उमेर जाओ फटाफट तुम्हारा कपड़ा लेकर ऊपर से नमाज जाने का। पहले ही रोजे में इतनी बड़ी गलती हो गई, क्या बोले है कि नहीं। पहले गलती हो गई मेरे को, रात को सो रहा था अचानक ठसका आता ना, पूरा पानी पानी हो गया था मेरे मुंह में, वाला पानी आता ना, हाँ एकदम तीखा, उठ के भागा फटाफट थूका जाके। अरे तो थूका पूरा कान वान नाक सब जलने लग गया था मेरा। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ मुझे तो मालूम नहीं, पूरा रात जागी थी, बदन थकान की वजह से काम काम में आंखें नहीं खुली। एक्चुअली सोए कब अपन? 6:30 बजे तो सोए, 6:30 भी नहीं 7 बजे सोए। हाँ तो नमाज पढ़ के करके 7 बजे सोए।
चलो मेरे जाओ फटाफट उठ जाओ मेरे जाओ। खैर अभी हम लोग जा रहे थे, बड़ी गलती हो गई। खैर कोई नहीं, कुछ भिगाई भी नहीं, कुछ करी भी नहीं, ऊपर से ये बेचारे जोहर की नमाज भी नहीं गए। मैं जा रहा हूँ, चार बज रहे, पढ़ लो। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं नमाज पढ़ गया, हम निकल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे आप? वेलकम टू शर्मी का सिनेमा व्लॉग में। अरे हम लोग तीनों, हम लोग तीनों निकले हैं इफ्तारी के लिए सामान लेने, और मार्केट में घुस चुके हैं। देखो हरा पीला लाल सब है, लाल है लाल है। देखो रमजान से पहले मीठा मीठा तो मिला था, अब पता नहीं मीठा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मालूम। जो ज्यादा लाल वो ज्यादा मीठा है ना। चलो चलते हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं। चलो तो गाइस, आजमी नगर में तो आ गए, पर यहाँ पे सब कलिंगर लाल के बदले व्हाइट दिख रहा है हम लोग को। देखो ना कितना व्हाइट व्हाइट कलिंगर, यहाँ पे एकदम लाल लाल कलिंगर। देखो यहाँ पे सब व्हाइट व्हाइट कलिंगर है एकदम। नो टेस्ट, मतलब दिखने में मजा नहीं आया तो खाने में क्या मजा है कि नहीं, है कि नहीं छोटू? हाँ, इसलिए हम लोग अभी आगे जा रहे हैं, आगे जाकर आए हैं हम यहाँ पर। ये लेके आए आजमी नगर, फंसाया। हाँ, अब मैं जा रही हूँ। अरे हाँ, आ रहा। तो गाइस हम लोग ने कलिंगर ले लिए, लाल है। अगर अब्बा ने बोले के अगर कलिंगर लाल नहीं रहा मीठा था, चाचू को मारेंगे क्योंकि मस्त चाचू यही मिले। अब्बा छोड़ूंगा नहीं मैं, भर देंगे। तो यहाँ पे ले चुके हैं, क्या है, अनाज पति। हाँ, अनाज। और सही में यहाँ पे लाल, हाँ कलिंगर नहीं यार, हम लोग भी कलिंगर है ना, ये ले कलिंगर इधर दिला दे यार, करना मत कलिंगर। ये ना बोला चलो आज भी नगर। एक और एक ले लो, नहीं अभी नहीं, कल ले। नहीं, लेके रख ले का, अब आज में जाना नहीं पड़ेगा। बुत पर एक और कलिंगर मैंने लेने बोल दिया, दो कलिंगर ले लिए ताकि कल लेने की जरूरत ना पड़े। दो कलिंगर ले लिए ना, खरगोश भी ले लिया। चलो भाई ने बोल दिया अगर कुछ भी गड़बड़ रहा तो कल वापस मिलेगा दूसरा, ये पैसे में खरगोश है कि नहीं। लाओ हाँ भाई, ओ भाई याद रखना, कल गड़बड़ रहा तो कल मिलेगा वापस, है ही नहीं। यहाँ पे केला ले रहे नमाज पढ़ के हो गया मेरा फाइनली, चुनु पानी पी लिया ना तो। और साथ ही साथ में अभी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि बजने आ रहा है 6:00 में, अभी 10 कम है, 6:15 हो रहा है, और मुझे फटाफट अफ्तारी की तैयारी करनी है क्योंकि इस बार ऐसा हो गया है ना कि मैं सोने में बिजी थी और मैंने कोई भी चीज भिगाई नहीं, कुछ नहीं, बिजी थी मतलब अल्लाह माफ करे। रात भर हम लोग जागे थे सब सामान रखने के चक्कर में, आंख लग गई, आंख खुली ही नहीं, तो जोहर की नमाज भी मेरी हो गई, दोपहर में पढ़ लिया मैंने, अभी मैंने असर पढ़ लिया फटाफट, और घर भी साफ कर दिया, बर्तन भी धो दिए, दाल भी मैंने बना दी। अब मैं सोच रही हूँ कि झटपट में ऐसा क्या करूँ कि मेरी अफ्तारी भी हो जाए और ज्यादा वक्त भी जाया ना हो और काम भी जल्दी जल्दी खत्म हो, तो चलो देखते हैं। तो खैर मेरे पास तो आज फ्रिज में कुछ चीजें है जो ऐसे वक्त में मेरे बहुत काम आएगी, जो मेरी सिस्टर ने नगेट्स वगैरह दिया था, तो नहीं काम में आएगा, नगेट्स मेरे काम में आ जाएगा, और फ्रेंच फ्राइज हो गया, और ये भी नगेट्स है, और ये पॉपकॉर्न है, तो चिकन का पॉपकॉर्न वगैरह, चलो ये चीज हो गई। और यहाँ मैंने निकाला है अभी बेसन, और ये बेसन मैंने निकाला है आलू की भजिया बनाने, और ये कांदे की भजिया बनाने, और इसमें अभी मैं मैदा भी मिलाऊंगी थोड़ा, क्योंकि मैदे से क्या होता है ना, थोड़ा क्रंची होता है अच्छा और मस्त होता है, तो दो तीन चीज मिला के आज थोड़ा कांदे की भजिया अलग बनाते, एक दो चीज बन जाएगी ना वो अपने को चल जाएगा। मैंने फटाफट ना गरम पानी में मैंने चना दाल भिगा दी थी, तो चना दाल मेरी अच्छे से भीग गई, क्योंकि क्या है ना, जानू को मेरे चना दाल बहुत पसंद है, कच्ची चना दाल, नींबू और काली मिर्च छिड़की हुई, आप लोग भी खाते ही होंगे, मेरी मम्मी की भी फेवरेट है, तो वो अभी मैं बना दूंगी। तो चलो भले ही चना वना हमने नहीं भिगाए थे, कोई बात नहीं, और लाए भी नहीं है, लाना है अभी तो राशन दुकान से, कोई नहीं, अभी जो है अवेलेबल
उससे हम करेंगे अपनी पहली अफ्तारी। तो अभी मैं नमक डाल रही हूँ और मैंने इसमें मैदा तो मिला दिया बेसन में। जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला, चाट मसाला। आज मैं थोड़ा चाट मसाला डाल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा चटपटा बना रही हूँ इसीलिए। आलू की भुजिया के उसमें भी, बैटर में भी, और कांदे की भुजिया के बैटर में भी। और ये मैंने डीमार्ट से लेकर आया। चलिए देखते हैं ट्राई करके। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, हमारी असर की नमाज भी हो चुकी है, हम उमेर जाके आए, जोर भी माशाल्लाह घर में पढ़ लिए थे, थोड़ा सा लेट हो गया था बट कुछ नहीं, पढ़ लेते हो जाता, कभी कभी इंसान की आँख नहीं खुलती है कि नहीं। और तुम्हारे को तो कजा थोड़ी मिली, हमारी हाँ, तो कजा हो गई, तुम तो पढ़ लिए टाइम पे। और यहाँ पे बनने जा रहे पूरी रेसिपी क्या, भजिया जो भी है, भजिया बना। हाँ तो यहाँ अभी मैं बना रही हूँ आलू की भजिया का बेसन, फटाफट टाइम हो रहा है, फटाफट सब बनाने का है मेरे को भी। चना दाल मेरे जानू का फेवरेट, मेरा फेवरेट है। और ये मेरे जानू पाउडर भी रखा है बेटा, उसने पाउडर तो बड़ा रखा है। मैं तुम्हारा ये लाइला ये यूज करके देख रही हूँ ना कैसा है, आधा नीचे जा रहा है अब, वो मुझे नहीं मालूम। तो गाइस अपन फ्रूट काट लिए, देखो पूरा सब फटाफट फ्रूट पूरा कट गया है। हाँ पूरा फ्रूट काट लिया, बस कुछ नहीं बचा, बस ये चने को थोड़ा मिक्स करना है। अल्लाह हू अकबर, वाह वाह, आज की इफ्तारी मजा आएगी। बन रहा है भजिया मस्त मस्त, क्या बोलते हैं कांदा बटाटे की भजिया, जल्दी बना रही हूँ, जल्दी बना, बहुत टाइम कम है अपने पास। हाँ इसीलिए तो अल्लाह नहीं पाया क्या, तो रहने दो मत बोलो, इतना बना के आ जाओ, बस हो गया कांदा बटाटा थोड़ा सी वो भी डाल दो। हाँ और हमारी तारी पूरी रेडी हो चुकी है, अब्बा भी नहीं आए, अब्बा भी आ रहे हैं, अब्बा को बुलाया हूँ, अब्बा भी अब आए नहीं, जल्दी आए, फ़ोन करें दादू वापस थोड़ा बहुत। चलो साथ में पका रहे, टाइम बहुत कम बचा, छः मिनट बचा है सिर्फ, छः मिनट दिखाओ जरा मोबाइल, 44 हो चुका है और यहाँ मैं दिख रहा हूँ कि नहीं, और 44 हो गया भाई, जल्दी चलो 6 मिनट बचा है फटाफट, चलो जाओ तुम लोग बैठो, मैं आ जाओ आ जाओ। तो गाइस फाइनली देखिए हमारा इफ्तारी तैयार हो चुका है माशाल्लाह, और अब्बा अभी तक आए नहीं है, चलिए टाइम होने आ चुका है, और देखो माशाल्लाह इफ्तारी इफ्तारी करने बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह उमेर, वो देखो इफ्तारी की थैली उड़ के कहाँ चले गए, इधर लाओ जाने दो अभी अभी, हाँ हाँ साइड में रखो बच्चे, चलो अब्बा अभी आए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बहुत लेट हो गए, चलो हाँ टाइम हुआ 50 का था, वो भी गया, ओके भी गया, 52 हो गया अब्बा, हाँ आदान हो गई ना, हाँ आवाज नहीं आती ना यहाँ पे, हाँ चलो आ जाओ रोजा खोलने आप सब। आप सब लोग आए और रोजा खोलने, यार आप लोगों का रोजा कैसा गया जरूर बताया, माशाल्लाह रूह अफ़ज़ा पी के कुछ मजा अलग ही, बहुत अलग ही सुकून है, सुकून कोई शरबत में सुकून नहीं है इतना रूह अफ़ज़ा में सुकून है कि नहीं अब्बा, हाँ सुकून सुकून। A few moments later क्या बोलते, काम कर रही हूँ क्या करूँ, इफ्तारी के बाद तो डरे अभी चालू किए, आराम करे, खाना बनाए, सहरी बनाए, है ना,
अब धोने जा रहे हैं यहाँ से वो अपना कपड़ा। अरे तुम्हारा ये भी कच्चा? नहीं, ये वाला अच्छा था, वाला गंदा था। अच्छा था वो कच्चा था? हाँ, तो मेरे को तो दोनों ही गंदा लगा, वो कच्चा था। नहीं, ये रात को निकला। गाइस अभी देखो, तीन चेन शमाना के वहाँ से लाए अब्बा और मैं मिलके। अब्बा साइकिल से लाओ, दे दो। मैं बोली इस चक्कर में ना मेरा ना कपड़ा धुल रहा है, मेरे बालों में डेंडर देखो कितना, ना ऊपर की सफाई का काम हो रहा है। आज भी खाना ना बनाने में भी शाम रात निकल गई मेरी। अब भी फ्री हुई हूँ, उसको रोना आ रहा है, उसको मैंने टीवी नहीं देखने दे रही हूँ ना इसीलिए। हाँ, तो अभी जाके चार केन अभी मैंने और एक्स्ट्रा लेके आया, चार केन उठा के, ताकि पानी कपड़े धुल जाए, क्योंकि पानी बहुत कम है। एक्चुअली पानी का मसला नहीं है, पानी ठीक है, पर एक दिन छोड़ो एक दिन मिलता ना, इससे कम पड़ जाता है। कभी कभार कपड़ा धोने के टाइमिंग पे प्रॉब्लम, बस सब दिन कपड़ा धोना तो उसी दिन तकलीफ पड़ती है। चार केन लेके आया, मेरे हालत पसीने छूट गए, मेरे बाप रे। तो अभी कपड़े लेके आ गए ताकि कपड़े धुल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं गाइस सेकेंड डे रोजे में। और आज लोग, आप लोग का आज पहला रोज़ा कैसा गया जरूर बताना, ठीक है? है कि नहीं? रोज़ा करने के बाद मैं गया नमाज़ पढ़ा, नमाज़ पढ़ने के बाद वसीम शबाना से गया, वहाँ मिला वेला थोड़ा, बच्चे लोग मस्ती किया, फिर घर पे आए, फिर उसके बाद खाना पीना हुआ कुछ नहीं, बस है कि नहीं? चलिए फिर गाइस दुआ में याद रखें, और रोज़ा कैसा जा रहा है आप लोग ज़रूर बताएँ। मिलते हैं सेकेंड शहरी में, है कि नहीं? अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट। तो अल्लाह मिलना हमको वापिस है, चिंगम खाओ चबा के, यूट्यूब चला सपोर्टिंग, लव यू ऑल, गुड नाइट।